नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर क्लास में। आज हम बात करेंगे फाइव एलिमेंट की। फाइव एलिमेंट यानी कि पंच महाभूत भी कहा जाता है या पंच तत्व भी कहा जाता है। ऐसा कहा गया कि पंच तत्व से या फाइव एलिमेंट से ही पूरी दुनिया बनी है। पूरी दुनिया क्या, पूरा संसार या पूरा यूनिवर्स कह रहे, पूरा ब्रह्मांड पंच तत्व से मिलकर बना है। और इस दुनिया की हर चीज़ में पंच तत्व से मिलकर ही बनी है, चाहे वो हमारा शरीर हो। कहा जाता है हमारा शरीर पे आपने सुना हो कि पंच तत्व से मिलकर ही बना है। इसलिए पंच तत्व के डिसबैलेंस से ही कोई बीमारी हमारे शरीर में आती है, उसको बैलेंस करने से वो बीमारी चली जाती है। इसलिए जितनी भी हमारी अल्टरनेटिव थेरेपी है, सब में फाइव एलिमेंट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसका बेस वही है। आपने देखा होगा चाहे वो एक्यूप्रेशर हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, सब पंच तत्व को बैलेंस करने की बात करते हैं। जितनी भी अल्टरनेटिव थेरेपी ले लेंगे आप, उसमें पंच तत्व को बैलेंस करने की बात कही गई है। तो पंच तत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसी से हम इन यांग में की जो ऊर्जा है वो इसी से भी बैलेंस करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको समझना लेकिन उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज मैं आपको यही सब्जेक्ट जो बहुत आसानी से समझाऊंगा, जो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी वे में समझाऊंगा, वरना कुछ लोगों को बहुत साल लग जाते हैं इसको समझ में, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत आसानी से समझा रहा हूं। तो पहली उंगली देख लीजिएगा किस कौन कौन से ये और तत्व है फाइव एलिमेंट। पहला एलिमेंट है वुड, कास्ट भी कह लीजिए हिंदी में या लकड़ी कह लीजिएगा। सेकेंड हुआ फायर यानी अग्नि, ये देखिए। थर्ड हुआ अर्थ यानी कि पृथ्वी। फिर हुआ मेटल यानी कि धातु। फिर हुआ वाटर यानी पानी। ये पांच तत्व है। ये इसी उंगलियों को, ये उंगलियां उन्हीं को रिप्रेजेंट करती है। आप याद कर रख लीजिएगा, अगर आपने ये याद कर लिया तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझा दूंगा मैं आपको। पहली उंगली जो है ये आपका अंगूठा जो है ये है वुड का, यानी कि लकड़ी का या कास्ट कह लीजिएगा वुड। दूसरा हुआ फायर का। तीसरी उंगली हुई आपकी अर्थ की। ये हुई आपकी मेटल की। और ये वाटर की। इतना आप याद कर लीजिएगा, आपको पूरा आपको समझ में आएगा। इतना आप याद कर लीजिए, इस पर लिख के रख लीजिए तो आपको दो तीन दिन में याद हो जाएगा कि ये आपकी उंगली वुड की है, फायर है, ये फायर है, ये अर्थ है, ये मेटल है, ये वाटर है। इतना आपको याद रखना है। अभी इसके क्रिएटिव साइकिल को समझते हैं। ये एक दूसरे के जनक भी है, कहा जाता है एक दूसरे को जन्म भी देते, एक दूसरे के जनक भी है, जन्मदाता भी है। ये है वो कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए वुड, वुड को जलाने से अग्नि पैदा होती है, तो ये इसकी वुड जो है अग्नि की जनक हुई। और आग में कोई भी चीज़ चलने के बाद राख बन जाती है, राख यानी कि पृथ्वी में मिल जाती है। तो ये क्या हुआ, फायर जो है इसका जनक हुआ पृथ्वी का। और पृथ्वी के अंदर से हमें मिलती है धातुएं, जब उसकी खुदाई की जाती है, पृथ्वी के अंदर जाके खुदाई की जाती है तो उसके से मिलती है धातुएं यानी कि मेटल। ये हुआ मतलब कि पृथ्वी इसकी जनक हुई मेटल की। और मेटल को जब पिघल जाता है, पिघलाया जाता है तो बनता है द्रव्य यानी बनता है वाटर, यानी कि मेटल इज़ द मदर ऑफ वाटर, इसका जनक हुआ। और वाटर को जब हम पानी ज़मीन में देते हैं, पेड़ पौधों में देते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। या कह लीजिएगा बीज में जब पानी देते हैं तो उससे बनता है पौधा, पौधे से बनती है लकड़ी। तो ये क्रिएटर हुआ किसका, लकड़ी का यानी कि कास्ट का। वाटर इज़ द क्रिएटर ऑफ वुड। इस तरह से आपको समझना है, एक बार और समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिएगा। ये जो है इसको मदर भी बोल सकते हैं, क्रिएटर भी बोल सकते हैं, जनक भी बोल सकते हैं, जो आपको बोलना है। ये देखिए वुड इज़ द मदर ऑफ फायर, फायर इज़ द मदर ऑफ अर्थ, अर्थ इज़ द मदर ऑफ मेटल, मेटल इज़ द मदर ऑफ वाटर, वाटर इज़ द मदर ऑफ वुड। इतना आपको याद रखना है। फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, उंगलियों पे याद है तो आप देखिएगा साथ साथ वाले के आप क्रिएटर हैं। ये किसका क्रिएटर हुआ, अपने साथ वाले का। ये किसका क्रिएटर हुआ, इसका। ये किसका क्रिएटर हुआ, इसका। ये किसका क्रिएटर हुआ, उसका। ये किसका हुआ, साथ वाले का, इसका। इसी तरह से याद कर रखिए, अगर आपको लगता है कि ये किसका ये क्रिएटर है, ये देखिए ये पृथ्वी, पृथ्वी किसका क्रिएटर है, इसका, अपने साथ वाले का, आगे वाले का क्रिएटर है। इतना आपको सिर्फ सिंपल याद रखना है। पृथ्वी इज़ द क्रिएटर ऑफ मेटल। आपको ये उंगली मालूम है कि मेटल, तो मेटल किसका क्रिएटर है, वाटर का, वाटर के साथ वाले। इतना आपको याद रखना है, आपके साथ वाला आपका दोस्त है, उसके आप क्रिएटर हैं, आपका सन है, ऐसा आप याद कर सकते हैं इसको इस तरह से। अभी बात करते हैं इसके डिस्ट्रैक्टिव साइकिल की, कि एक दूसरे के कंट्रोलर भी है, जिसको कंट्रोलर बोल लीजिएगा, दुश्मन बोल लीजिएगा, एक दूसरे को ये तत्व कंट्रोल भी करते हैं, जिसको डिस्ट्रैक्टिव साइकिल कहा गया है। तो देखिए कास्ट जो है, कास्ट यानी कि लकड़ी, पेड़ पौधे जब बड़े होते हैं तो पृथ्वी को ऐसे कवर कर लेते हैं। आपने कई जगह देखा होगा
तो ये जो पृथ्वी इज द ये कास्ट इज द कंट्रोलर ऑफ अर्थ, अर्थ का कंट्रोलर होगी। इसी तरह से जो फायर है, फायर जब हम धातु में जलाते हैं, धातु को जलाते हैं तो पिघल जाता है, तो इसलिए ये जो है आपका अग्नि इज द कंट्रोलर ऑफ मेटल। और पृथ्वी आपने देखा होगा जब पानी बहता है तो उसको ये रोकता, पानी जब बहता है तो उसको रोकती है पृथ्वी। हम पानी को बहाव को रोकने के लिए मिट्टी लगाते हैं खेतों में, आपने देखा होगा। तो इससे अर्थ इज द कंट्रोलर ऑफ द वाटर। और मेटल, मेटल की धातु से हम आरी से हम लकड़ी को काट सकते हैं, तो इसलिए ये मेटल इज द कंट्रोलर ऑफ वुड। एंड वाटर इज द, पानी जब हम डालते हैं कहीं पे, आग पे डालते हैं तो आग बुझ जाती है, इसलिए वाटर इज द कंट्रोलर ऑफ फायर। ये इस तरह से एक दूसरे के कंट्रोलर भी है। कंट्रोलर को आप कैसे याद रखना है, साथ वाला आपका दोस्त है, इसके आप जनक है, और एक छोड़ के इसके आप कंट्रोलर हैं। सिर्फ आपको इतना ही करना है, ये आपको मालूम है क्या है, ये वुड है, तो इसका एक छोड़ के क्या आया, ये आप इसके कंट्रोलर हैं। इसी तरह से ये क्या है, अग्नि है, आप एक छोड़ दीजिए, एक उंगली छोड़ के, ये आपका, आप इसके कंट्रोलर हैं। अर्थ, अर्थ के, अर्थ किसका कंट्रोलर है, एक उंगली छोड़ना है, ये इसका कंट्रोलर है। वाटर, वाटर किसका कंट्रोलर है, आपको देखना है, आपको याद नहीं है क्रिएटिव साइकिल, तो एक उंगली छोड़ दीजिएगा, इसके साथ की एक उंगली ये है, ये छोड़ा तो एक अग्नि का कंट्रोलर है। इस तरह से ये साइकिल याद रखना है आपको, फिर से देख लीजिएगा एक बार। वुड इज़ द कंट्रोलर ऑफ अर्थ, एक उंगली छोड़ के क्या, अर्थ। अभी फायर का देखना है, फायर इज़ द कंट्रोलर ऑफ मेटल, एक उंगली छोड़ के मेटल है, मेटल है। फिर अर्थ, अर्थ इज़ द कंट्रोलर ऑफ वाटर, मेटल, मेटल इज़ द कंट्रोलर ऑफ, एक उंगली छोड़ के, वुड। एंड वाटर इज़ द कंट्रोलर ऑफ फायर। इस तरह से आपको ये याद रखना है, बहुत ईजी वे में याद हो जाएगा। अगर आपको पंचतत्व यहाँ पर याद हो गया तो आपको ये सब याद हो जाएगा। एक साथ वाला आपका दोस्त है, इसके जनक है, और एक उंगली छोड़ के आप उसके दुश्मन है। आपको ऐसे गिन लेना है, कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो ऐसे आपको काउंट कर लेना है। अभी इन ऑर्गन, इन्हीं में हमने हर ऑर्गन का एक एक, क्या बोलते हैं कि दो दो मेरिडियन है, और दो एक एक कपल मेरिडियन कह लीजिए, या दो दो मेरिडियन है, और दो दो ही ऑर्गन है, या एक एक कपल ऑर्गन है। वो कैसे है देखिए, इसमें जो है, पहले कास्ट की बात करते हैं। कास्ट में है लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ऑर्गन भी है, ऑर्गन इसके रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और मेरिडियन भी है, मेरिडियन की ऊर्जा भी है। इसके अलावा इसमें चार है, बाकी सब में दो दो है, इसमें चार है, चार मेरिडियन है, चार ऑर्गन है। क्या है, हार्ट इसमें है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें है, फिर पेरिकार्डियम भी इसी में है, और ट्रिपल बार्मर जिसको बोलते हैं संजाऊ बोलते हैं, वो भी इसमें है। इसके बाद ये देखिए, इसमें आता है स्टमक एंड स्प्लीन, इसमें आता है लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें आता है वो किडनी एंड यूबी यानी यूरिनरी ब्लेडर। इस तरह से ये इनकी मेरिडियन भी है, ऑर्गन भी इनको रिप्रेजेंट करते हैं पांच तत्व का। अभी कोई आपसे पूछेगा कि इसका अर्थ का जो है मेरिडियन कौन सी है, या इसका तत्व कौन, तत्व का ऑर्गन कौन सा है, तो ये आपका स्टमक, इतने याद रखना, स्टमक मेरिडियन, और स्टमक एंड स्प्लीन, स्टमक एंड स्प्लीन है इसका, आपको इतना याद रखना है। एक एक कपल सब में है, सिर्फ इसमें चार है, इसमें चार मेरिडियन, चार ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है अग्नि, फायर तत्व, उंगली में नहीं, फायर तत्व, तत्व की बात कर रही है, उंगलियों की नहीं, तत्व को किसको रिप्रेजेंट करता है, इतना आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं अगली क्लास में। इसके ऐसे ही हर तत्व का अपना साउंड है, अपना कलर है, अपनी उम्र है कि किस उम्र में ये अधिक प्रभावी होता है, और कौन सा अलग अलग आँखें किसका है, ये सब आपको मैं बहुत ईजी में बताऊँगा अगली क्लास में, देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा एक्यूप्रेशर कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। हम बहुत इजी वे में आपको एक्यूप्रेशर सिखाएंगे, एक्यूपंचर सिखाएंगे, ऑनलाइन एक्यूप्रेशर कोर्स है, इसको आप सीख लीजिएगा, घर बैठे भी सीख सकते हैं, बहुत इजी वे में प्रैक्टिकली सीख पाएंगे आप, तो इसको जल्दी से कर लीजिएगा। इसके अलावा जो हम आपको उसमें तैयारी भी करवाते हैं, जो एक्यूपंचर कोर्स का, महाराष्ट्र एक्यूपंचर कोर्स का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, एक्यूप्रेशर काउंसिल के एग्ज़ाम होने वाले, उसकी तैयारी भी करवाते हैं, इस कोर्स से उसकी तैयारी हो जाती है। इसके लिए हमने अलग से आपको 2-3 हज़ार क्वेश्चन भी देते हैं कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे हम। तो जल्दी से ये आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप करना चाहते हैं तो फ़ोन कीजिएगा 9892683217 पर। थैंक यू वेरी मच।